सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों पे जो हर एक नया यूट्यूबर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते वक्त करता है। और 2018 से लेके अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसके अकॉर्डिंग मैंने कौन सी गलतियां की एंड आप उन्हें अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं। पहली गलती और सबसे मेन गलती यही रहती है यूट्यूब के ऊपर कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं कि कौन सा यूट्यूबर कितने पैसे कमा रहा है। जैसे सर्च करेंगे मंथली इनकम ऑफ टेक्निकल गुरुजी, मंथली इनकम ऑफ बीबी की वाइंस, इस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स की मंथली इनकम्स चेक करते हैं और यूट्यूब पे कुछ भी अनाप शनाप भरा रहता है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता। बट हाँ, यूट्यूब में इनकम है, बट वो एक लेवल पे जाने के बाद, और वो भी तब जब आप उसे अपना पैशन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर को देखें और उसे देखकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और पहले महीने 10-15 वीडियो डालेंगे एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में, और उसके बाद एक्साइटमेंट लेवल जैसे ही आपका लो जाएगा उसके बाद आप उसे छोड़ देंगे। अक्सर 95% जो यूट्यूबर्स हैं, नए यूट्यूबर्स, वो ऊपर क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ये मान के चलते हैं कि मेरे को काम करना है मोनेटाइजेशन के ऊपर, यानी मेरे को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन को करना है इनेबल। तो वो उनका हो नहीं पाता इतना जल्दी से, क्योंकि नए चैनल को ग्रो करने में आज के टाइम में कंपटीशन भी ज्यादा है, तो काफी स्ट्रगल उसे फेस करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाने की, तो इस आइडिया पे एक क्रॉस मार दीजिए कि आप मोनेटाइजेशन या 4000 घंटे या 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आपको लोगों के साथ चीजें शेयर करना अच्छा लगता है, तो वो एक अलग बात है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब्स वगैरह क्विट कर देते हैं या स्टडीज वगैरह छोड़ के कंप्लीटली यूट्यूब में आ जाते हैं, तो वो समझदारी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी एंड मेजर गलती जो हर एक नया यूट्यूबर करता है, हालांकि मैं भी कर रहा हूं उस चीज को, वो है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड ना करना। तो इसी के कारण क्या है, अभी मैंने ये चैलेंज लिया हुआ है 21 डेज वीडियो वाला। हालांकि घर पे इतना कंटेंट होता नहीं है हमारे पास बनाने के लिए, बट फिर भी मैं जैसे तैसे करके वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 21 डेज तक अगर मैं रेगुलर वीडियोस इसी तरह अपलोड करता रहूँगा तो कंटिन्यूसली मेरे को हैबिट होगी उस चीज़ की और अंदर से मुझे फीलिंग आएगी कि मुझे वीडियो शूट करना है। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया है। और अक्सर नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी वीडियोस डालेंगे, पहले 10-15-20-25 वीडियो डालने के बाद फिर एकदम से लगा देंगे ब्रेक, फिर 1 महीने में एक वीडियो, 2 महीने में एक वीडियो, 3 महीने में एक वीडियो। तो उस चीज़ को YouTube भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि नए यूट्यूबर्स का क्या रहता है, कंटिन्यूसली आपको वीडियोस अपलोड करना रहता है। यानी एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, हफ्ते के अंदर एक वीडियो, या डेली एक वीडियो, या 2 दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो, उस दिन वीडियो आपकी आनी ही आनी है। या फिर आप मेरी तरह इस आइडिया को अपना सकते हैं, जैसे मैंने अभी 21 डेज का वीडियो चैलेंज लिया, इसी तरह आप चैलेंजेस ले सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में बड़ा चैलेंज मत लीजिएगा, जैसे 100 वीडियो 150 वीडियो। पहले मैंने सोचा था 100 वीडियोज़ का चैलेंज लेता हूँ, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आज मुझे फील हो रहा है, आज है मेरा 13वां दिन रेगुलर वीडियोज़ का, और आज मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है डेली व्लॉग्स करना। तो छोटे टारगेट लीजिए, लाइक 20 वीडियो 25 वीडियो, इस तरीके से आप लिख के बना के चार्ट को पूरी तरीके से वॉल पे टांग दीजिए। वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो अगर आपको यूट्यूब में करियर बनाना है तो कंटिन्यूटी काफी जरूरी है। एंड तीसरी और सबसे मेजर गलती जो आपके यूट्यूब करियर को कर सकती है तबाह, वो है सब फॉर सब, यानी सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। और ये वाली गलती मैंने आज तक कभी भी नहीं की है, लेकिन अक्सर काफी सारे नए यूट्यूबर्स को देखा है इस चीज को करते हुए। वो क्या करेंगे, अपने चैनल का लिंक शेयर करते हैं, दूसरों के वीडियोज के नीचे उसका लिंक शेयर करते रहते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो उस चीज में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार आपको नंबर्स तो मिल जाएंगे, यानी आप 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर लेंगे, बट जो वॉच टाइम है, जो 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसे कंप्लीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मेरे साथ भी यही सीन हुआ था, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो मैंने इस चीज़ को सीरियस लेना कम कर दिया, क्योंकि फिर मैं सोचने लगा कि अभी जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वही वर्क करके आगे मुझे 4000 घंटे के वॉच टाइम तक पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तक मेरा जो वॉच टाइम है पिछले 12 महीनों का, वो 2500 घंटों से प्लस कभी गया नहीं है। इसी चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूं, और मैंने ये जो टारगेट लिया ये काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरी। और मैं अभी पिछले कुछ दिनों का ग्राफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे YouTube चैनल का, तो उसमें क्या है, काफ़ी मेरे को उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सब्सक्राइबर गेन भी मेरे को देखने को मिल रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो अगर आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालते हैं
तो ऑब्वियसली आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा एंड यूट्यूब भी आपके चैनल को सजेस्ट करेगा, आपकी वीडियोस को दूसरों के वीडियो के नीचे सजेस्ट करेगा। तो इन तीन बातों का ध्यान रख के अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सक्सेस होंगे ही होंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं बट मेजर ये तीन पॉइंट्स माइंड में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इन तीन पॉइंट्स पे आप 100% वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम के एक अच्छे यूट्यूबर कहलाने के लायक बन जाते हैं। मेरी दो बातें हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज़ से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उतनी ही मात्रा में आपको उसके बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ को पा सकेंगे। और यही यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आप यूट्यूब को एज अ करियर अपनाना चाहते हैं तो आपको इसे अपना टाइम देना होगा। आप जितना टाइम इसे देंगे ये उतना आउटपुट आपको उसमें से निकाल के देगा। हाँ, अर्निंग काफ़ी है यूट्यूब के अंदर बट वो एक लेवल के बाद है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 95% यूट्यूबर्स क्विट कर जाते हैं। जो 5% बचते हैं वो ऊपर टॉप पे जाते हैं। और आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, ग्रो करना तो बहुत ही टफ है। आपको यूनिक यूनिक आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे, यूनिक यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, डेली आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तभी जाके आप यूट्यूब कम्युनिटी पे ग्रो कर पाएंगे। वैसे मैं रेगुलरली इस चैनल पे व्लॉग वीडियोस डालता हूँ, लेकिन आज घर बैठा था तो माइंड में कुछ ये तीन पॉइंट्स मेरे आए कि जिन पॉइंट पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ। अगर इन फ्यूचर आप भी यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन तीन पॉइंट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। और स्टार्टिंग में आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि अब मेरे को क्विट कर देना चाहिए। जिस स्टेप पे जाके आपको ऐसा लगने लगे कि अब मेरे को एक स्टेप पीछे हो जाना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए, वहाँ पे आप सोच लीजिए कि यही सही टाइम है, यहाँ से आगे मुझे स्टार्ट करना है। ये बात अगर आप अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे तभी आप यूट्यूब पे ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा माइंड में आता है कि मेरा यूट्यूब पे अब कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को अब यूट्यूबिंग क्विट कर देना चाहिए। लेकिन इसे आप एज अ हॉबी पार्ट टाइम रखिए अपने साथ साथ। जो भी वर्क आप कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप डेली वीडियोज़ बनाइए, अपलोड करिए। क्योंकि गाइज ये सारा जो खेल है इसमें कुछ पता नहीं चलता कौन सा आपका वीडियो कब वायरल हो जाए और कब आपका चैनल ट्रेंडिंग में आ जाए। और एक बार अगर ऐसा हुआ, अगर एक बार आपका कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में आया तो आपका जो चैनल है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस ट्रिक के बारे में अभी मैं बात कर रहा था वो ये है। सामने मैंने यहाँ पे 21 डेज का वीडियो चैलेंज ले रखा है और इसे अपने रूम में, अपने जहाँ पे मैं बैठता हूँ या जहाँ पे मेरी नज़र जाती है वहाँ पे मैंने इसे चिपका रखा है, ताकि हर टाइम मेरे माइंड में रहे कि आपको नया वीडियो अपलोड करना है आज बना के। आज हमारा 13वां दिन है तो इसे कर देते हैं हम कट। अभी हमारा चैलेंज पूरा होने में पूरे 8 दिन बचे हैं। एक तो होता है डायरेक्टली अपने माइंड में सोच लेना कि मेरे को 21 वीडियोस डालने हैं, और एक जिस तरीके से मैंने रिटर्न में सामने लगा रखा है इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हर टाइम आपकी नज़र इस पे रहती है, जहाँ भी आपका वर्किंग डेस्क है या फिर जहाँ पे आपकी नज़र हर वक्त आपकी रहती है, उस जगह आप इस तरीके से अगर अपने टारगेट को बना के फिक्स करते हैं और डेली उसे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे मैं डे बाई डे उसे कट करता जा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से अगर आप वर्क करते हैं तो काफ़ी हेल्प होगी आपको टारगेट अचीव करने में। होप सो आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन फ्यूचर भी काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं लेके आता रहता हूँ, सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इस तरीके से अगर अपने टारगेट को बना के फिक्स करते हैं और डेली उसे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे मैं डे बाई डे उसे कट करता जा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से अगर आप वर्क करते हैं तो काफ़ी हेल्प होगी आपको टारगेट अचीव करने में। होप सो आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन फ्यूचर भी काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं लेके आता रहता हूँ, सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करके जरूर जाइएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।